नमस्कार विद्यार्थियों, तो आज हम आगे टॉपिक को बात करते हैं। हम डाइएथिल ईथर बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि को पढ़ रखा है। पहले पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने प्रयोगशाला विधि को पढ़ा था। अब इसकी क्या है, एक जो विधि है वो है औद्योगिक विधि। डाइएथिल ईथर को औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार संश्लेषित किया जाता है, तो इस औद्योगिक विधि को मैं लास्ट वाले वीडियो के अंदर लूंगा। अभी मैं अन्य विधियों की बात कर लेता हूं, तो अगला जो वीडियो आएगा या इसी के एंड में, इस वीडियो के एंड में हम औद्योगिक विधि की बात करेंगे। बाकी का हम उससे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको कवर कर लेता हूँ, फिर लास्ट की यही विधि रह जाएगी। ठीक है, चलो तो आज हम बात करते हैं डाइएथिल ईथर बनाने की अन्य विधि कौन कौन सी हैं जिनको विस्तार से पढ़ना आवश्यक है। देखो, डाइएथिल ईथर बनाने की हम अन्य विधियों की बात कर रहे हैं, लिख देता हूं मैं अन्य विधियां। किसका संश्लेषण होगा इसमें, इसमें इसी डाइएथिल ईथर का संश्लेषण होगा। तो भैया पहली जो रिएक्शन है इसको हम लोग एल्कोहल से भी, डाइएथिल ईथर को एल्कोहल से भी संश्लेषित कर सकते हैं। कैसे संश्लेषित कर सकते हैं, डाइएथिल सॉरी एल्कोहल से इसको संश्लेषित किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो मोल एथिल एल्कोहल लेते हैं और इस एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना उत्प्रेरक के साथ उच्च ताप लगभग 523 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है। दो मोल एल्कोहल लिया, उसके साथ हमने लिया एल्यूमिना और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 523 केल्विन ताप। तो इस स्थिति में क्या है, जल का अणु दो मोल एथिल एल्कोहल से बाहर निकल जाता है और डाइएथिल ईथर बन जाता है। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, सॉरी ईथर को स्टार्ट किया था, तो उसमें एक बात बताई थी कि ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब यह है एल्कोहल से जल का अणु जब बाहर निकल जाता है तो इस स्पीसीज को एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड है। देखते हैं रिएक्शन को। देखो मैंने यहाँ पर दो मोल एथिल एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH प्लस में एक मोल और एथिल एल्कोहल लेना पड़ेगा HOCH2 और यहाँ पर फिर से CH3। आप इसकी रिएक्शन करा रहे थे किसके साथ, उत्प्रेरक विशिष्ट है, ये ले लिया Al2O3 और इसको बोला जाता है एल्यूमिना बोला जाता है। एल्यूमिना ले लिया, टेम्परेचर 523 केल्विन ताप है और जब इस 523 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यहां से ये एक जल का अणु इसमें से बाहर निकल जाता है। जल के अणु के बाहर निकलने को निर्जलीकरण कहा जाता है और निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया हुई है यहां पर, निर्जलीकरण देखो डिहाइड्रेशन बोला जाता है। वास्तव में क्या है, इसमें एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये बन जाता है डाइएथिल ईथर। तो ये वाली रिएक्शन होगी। अब बात आती है कि यहां से जो जल का अणु बाहर निकला था और वह जल का अणु उच्च ताप पर बाहर निकल रहा है, इस ताप पर उच्च ताप पर ये वाला अणु बाहर निकल रहा है, तो उच्च ताप पर ये जब जल है जब बाहर निकलेगा, यानी कि मैं बात कह सकता हूं इसमें ये लगभग टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। कितना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हम एक बात जानते हैं कि जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया है तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है।
जल कौन सी अवस्था में आ जाता है? वाष्प में। तो आप लोग कितना ले रहे हैं? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक बार बताइए, ईथर के साथ वाष्प बनेगी या नहीं बनेगी जल की? निश्चित रूप से इस ईथर के साथ, यानी कि डाई एथिल ईथर के साथ जल की वाष्प बनती है। और इस जल की वाष्प को बाहर निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? काम में लिया जाता है निर्जल ZnCl2 को बहा का उपयोग किया जाता है। ये क्या काम करता है? जल वाष्प को सोखने का काम करेगा। इसको जल की जो वाष्प बनी थी, यानी 523 केल्विन ताप पर जल वाष्प को सोखने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक चीज और है यहाँ पर कि टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आप लोग टेम्परेचर का जब ध्यान रखेंगे तो रिएक्शन में गलती के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पर तो क्या बन रहा है? एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल बन रहा है, एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के दो मोल से जल का अणु बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? जल का अणु बाहर निकल रहा है जब आप लोगों ने 523 केल्विन ताप दिया है। आप लोग यदि इसका ताप 653 केल्विन कर देते हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर जल का अणु ना निकल के एक अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। और विलोपन के दौरान क्या बनती है? एल्किन बनती है। क्या बनती है? एल्किन। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यदि अभिक्रिया उत्प्रेरक दोनों में वही लिया जाता है, आपने यदि टेम्परेचर कितना ले लिया 523, तो डाई एथिल ईथर बना देना, और यदि आपने लिया 653 केल्विन ताप, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या बन जाएगी? एल्किन बन जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है रिएक्शंस को देखिए। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ये है कि आपने मान के चलो टेम्परेचर ले लिया कितना, 653 केल्विन ताप ले लिया। कितना लिया है? 653 केल्विन ताप। तो यहां पर अभिक्रिया जो होगी वह कौन सी होती है? अभिक्रिया होती है भैया विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन के दौरान क्या होता है कि आप लोग जब एथिल एल्कोहल लेते हैं, तो इस एथिल एल्कोहल को क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या है, अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। क्या इस CH3 को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पर एल्यूमिना ले रहे हैं, Al2O3 लिया जा रहा है। और एल्यूमिना ये वाला जो टेम्परेचर लिया जाता है 653 केल्विन ताप, यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया होती है विलोपन। और विलोपन में भी कैसी विलोपन? अल्फा बीटा विलोपन। और विलोपन को क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी क्योंकि इस वाले कार्बन को क्या कहा जाएगा? अल्फा। और अगले कार्बन को क्या कहा जाएगा? बीटा। तो यहाँ से अल्फा से OH और बीटा से H बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड में CH2 प्लस में जल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या बन गई है? ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा एथीन। एक बात तो ध्यान रखनी है कि जब आप लोग टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 653 केल्विन ताप दिया है, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का कितना मोल काम में लिया जाता है? एथिल एल्कोहल यहाँ पर 1 मोल काम में लिया जाता है।
जब आप 530 केल्विन ताप लेते हैं तो अल्कोहल का कितने मोल काम में आते हैं, अल्कोहल के वहां पर 2 मोल अल्कोहल काम में आते हैं और यहां पर 1 मोल अल्कोहल काम में आया। रिएक्शन वही है, केवल किसका अंतर है, टेम्परेचर का है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में भैया पूछी जाती है, नाम से पूछी जाती है रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन। ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण के अंदर क्या है, हम लोग ईथर का संश्लेषण करते हैं इसके अंदर। तो देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसकी जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर का संश्लेषण होता है। यह अभिक्रिया SN2 प्रकार की होती है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि द्वि अणु नाभिक में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इस SN2 अभिक्रिया के अंदर जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही होता है वह एल्किल हैलाइड पर बैक साइड अटैक करता है। तो देखते हैं इस वाली रिएक्शन को किस तरह से संपन्न होती है। रिएक्शन ये है, आप लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं प्लस सोडियम एल्कोक्साइड Na, पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस O और R डैश ले लिया मैंने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये वाली रिएक्शंस किस तरह से होगी, चाहे तो हम लोग ज्यादा ठीक रहेगा पहले एल्कोक्साइड को लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देखो मैंने सोडियम एल्कोक्साइड लिख दिया Na प्लस और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज माइनस, यहाँ पर R डैश प्लस RX, ये ले लिया एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, नाम होगा सोडियम आगे एल्कोक्साइड और इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है, नाम होगा भैया एल्किल और आगे हैलाइड। आप लोग सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है, इस वाली रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण है। इसमें क्या होता है, आपको पता है मैं पहले वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ एल्किल हैलाइडों की विशिष्ट अभिक्रियाएं कौन सी हैं, फिर से याद दिला देता हूँ मैं आपको। वो अभिक्रियाएं होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनकी ये विशिष्ट अभिक्रिया है। या तो कौन सी होती है, SN1 प्रकार की या फिर SN2 प्रकार की, सिलेबस के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो चार्ज माइनस है इसकी वजह से ये है, इसका काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नाभिक स्नेही का काम करता है। और ये वाला जो नाभिक स्नेही है, यह नाभिक स्नेही किस पर अटैक करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, किसके कार्बन पर, एल्किल हैलाइड के पर। तो ये नाभिक स्नेही कैसा है भैया, ये नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही प्रबल होगा तभी अटैक करेगा। ये नाभिक स्नेही हुआ, ये अटैक करता है इस कार्बन पर, कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड अटैक है ये, वैसा बैक साइड अटैक। तो बैक साइड जब अटैक होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये जो एक्स है, एक्स किसके रूप में बाहर निकलेगा, एक्स यहाँ से बाहर निकलता है एक्स माइनस के रूप में, क्योंकि ये कैसा नाभिक स्नेही है, ये यहाँ पर दुर्बल नाभिक स्नेही का कार्य करता है, इसका
दुर्बल ना भी इसमें ही का, और ये किसका काम कर रहा है यहां पर, ये काम करता है प्रबल नाभिक स्नेही का। जब ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है आर ओ आर डैश प्लस में एन ए एक्स, यानी कि ये सोडियम का क्या आ गया है, साल्ट आ गया है, क्या गया है साल्ट, और ये हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया डाई एल्किल ईथर बन गया है, क्या बन गया है डाई एथिल ईथर NH। अब यहाँ पर बात आती है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण तो बहुत इजी रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट बातें भी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, दूसरा विलियमसन ईथर संश्लेषण का एक सरल रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ विशिष्ट बातें हैं, उन विशिष्ट बातों की को स्पष्ट करते हैं। यहां पर देखो कि मान के चलो आपने ले लिया यहां पर एल्किल हैलाइड लिया, कौन सा एल्किल हैलाइड ले लिया CH3CH2I एल्किल हैलाइड प्लस में आप लोग ले रहे हैं कौन सा सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, कौन सा सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिया Na प्लस, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस, और यहां पर CH2CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहां पर एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड। आप लोगों ने एथिल आयोडाइड में सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन कराई, तो देखो यहां पर ये वाली स्पीसीज है, ये किसका काम करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये प्रबल होगा, और ये यहां पर नाभिक स्नेही है, ये कैसा हो जाएगा दुर्बल, और प्रबल हमेशा किस पर अटैक करता है दुर्बल पर, यहां से ये एक्स है आयोडाइड है, ये आयोडाइड क्या निकलेगा बाहर इसके साथ सोडियम के साथ, और यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2OCH2CH3 प्लस क्या बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, और सोडियम आयोडाइड किसने चक्का होता है टूस। डाइएथिल ईथर कैसा होता है, यह होता है भैया वाष्पशील द्रव है, क्या है वाष्पशील द्रव, यानी कि वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पशील होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये वाली जो रिएक्शन है कंपटीशन के हिसाब से पूछ ली जाती है, इस केस में यह किस प्रकार की है, SN2 प्रकार की है, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह है। आप चाहें तो इसको दो तरीके से लिख देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से देता है, यहाँ से सोडियम निकला, यहाँ से आयोडाइड निकला, और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, और सोडियम आयोडाइड किस प्रकृति का होता है, ठोस होता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसमें एक बात है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखो कि अगर हमें ईथर बनाना है तो हम ईथर के लिए एक तो एल्किल हैलाइड ले रहे थे और एक ले रहे थे एल्कोक्साइड स्पीसीज, क्या ले रहे थे एल्कोक्साइड स्पीसीज ले रहे थे। अब बात आती है यदि मेरे को बहुत बड़ा डाइएथिल ईथर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड किस नेचर का लें और सोडियम एल्कोक्साइड किस नेचर का लें। पहली बात तो यह है देखो कि एल्किल हैलाइड की बात अगर हम करें, जैसे ये ले लिया और दूसरा ले लिया जाता है एल्कोक्साइड में, इस तरह का ले लेता हूं मान के चलो, एक तो ये स्पीसी ले ली। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, देखो
ऑनलाइन क्लास है या वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ते टाइम पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक क्ल्यू मिलना चाहिए, एक यहाँ पर ऐसी टिप्स मिलनी चाहिए जिससे आपको ये चीज याद रहे। दूसरा मैं ये ले लेता हूँ कि इसकी जगह पर ये जो मैंने लिया है छोटा, इसकी जगह पर मैं बड़ा ले लेता हूँ। ये आयोडाइड ले लिया प्लस, ये मैंने बड़ा लिया है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। बात यह आती है हमें इन दोनों रिएक्शनों में से किस रिएक्शन के द्वारा ईथर का संश्लेषण होगा, इन दोनों में रिएक्शनों में से किस एक रिएक्शन के द्वारा ईथर बनेगा और किस एक रिएक्शन के द्वारा एल्कीन का संश्लेषण होगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपको ईथर बनाना है, क्या बनाना है, ईथर, तो आप हमेशा ही ईथर बनाने के लिए बल्कि यानी कि बड़े एल्कोक्साइड का उपयोग करेंगे। कैसे का, यहां पर दो बातें आ जाती हैं। देखो कि यहां पर ये वाला लिया है, ये कैसा है, बड़ा एल्कोक्साइड समूह है, कैसा है, बड़ा एल्कोक्साइड हो गया ये। और यहां पर जब आप लोग छोटा तो क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, छोटा तो क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड, कैसा है ये हमारा, ये छोटा है। और ये वाला समूह कैसा है, बड़ा है। बड़ा कैसे पता चल रहा होगा, ये देखो 1, 2, 3 यानी कि 3 डिग्री एल्कोक्साइड हो गया। ये कैसा है, यहाँ पर 1 डिग्री है। तो यदि आप ये बड़ा लेते हैं तो बड़ा एल्कोक्साइड समूह लिया जाता है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड लिया जाता है, तो अभिक्रिया के दौरान डाई एल्किल ईथर का संश्लेषण हो जाता है। कैसे हो जाएगा, यहाँ से तो आयोडीन बाहर, यहाँ से सोडियम बाहर, और बाकी किस स्पीशीज को एस से जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में C, यहाँ पर CH3 फिर से CH3 और उसके बाद CH3। यदि आप लोग बड़े एल्कोक्साइड लेते हैं, बड़ा एल्कोक्साइड समूह लिया जाता है, तो ईथर का संश्लेषण होगा, तो ईथर का संश्लेषण होगा, ईथर बन जाएगा। और यदि आप लोगों ने मान के चलो ये वाला समूह ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया बड़ा, और एल्कोक्साइड कैसा लिया है, छोटा लिया है, एल्किल हैलाइड कैसा लिया है, बड़ा लिया है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये कैसा था 1 डिग्री, ये कैसा है अब यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोक्साइड हो गया ये। तो इस स्थिति में ईथर का संश्लेषण नहीं होगा, ईथर का संश्लेषण नहीं होगा। कारण क्या, जब आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं और जब उसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया हो जाती है और विलोपन अभिक्रिया के दौरान एल्कीन का संश्लेषण हो जाता है। ये विलियमसन संश्लेषण इसी वजह से इम्पोर्टेंट है, पेपर में इन दोनों में से एक रिएक्शन को दे देता है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन दे दी उसने मान के चलो, तो आपसे वो यूं पूछता है कि इन दोनों रिएक्शनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो भैया विशेष ध्यान रखना है इस चीज का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपने बड़ा एल्कोक्साइड समूह लिया है तो बनेगा ईथर, और यदि आप लोगों ने बड़ा एल्किल हैलाइड ले लिया, ये वाला समूह कैसा लिया है बड़ा, तो यहां पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो यहां पर जो अभिक्रिया हुई है, ये तो कौन सी अभिक्रिया हुई है, SN2 SN1 SN2
हाँ ऐसे दो प्रकार की होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो अभिक्रिया है, अब यहाँ पर कौन से प्रकार की हो जाती है, ये अभिक्रिया हो जाती है विलोपन प्रकार की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और बेहद ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यानी कि हम लोग एक बात कह सकते हैं, जब हमें मिश्रित ईथर बनाना हो, मिश्रित का मतलब यह है कि ये वाला एल्किल समूह और ये वाले एल्किल समूह अलग अलग हैं, तो मिश्रित ईथर बनाने के लिए विलियमसन ईथर संश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। और संश्लेषण में हम लोग एक बात देखेंगे, बड़ा एल्कोक्साइड है तो ईथर बनेगा और बड़ा एल्किल हैलाइड है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल बनेगी, अभिक्रिया विलोपन हो जाएगी। तो इसको क्या मैं ऐसा नहीं देख सकता क्या, विलोपन अभिक्रिया कैसे होगी? देखो क्या CH3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? CH2H और जिस कार्बन में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा, अगले वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा। तो अल्फा से तो आयोडीन गया और बीटा से क्या गया, हाइड्रोजन। किसके कौन सा अणु बाहर निकल गया, यहां पर ये अणु बाहर निकल जाता है HI का और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है CH3, उसके साथ क्या है CH3 और डबल बॉन्ड के साथ है CH2 प्लस में HI। ये यहाँ पर ये वाली जो स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज यहाँ पर किसका काम करती है, प्रबल क्षार का काम करती है। किसका, प्रबल क्षार का। कौन सी स्पीसीज, ये स्पीसीज प्रबल क्षार का काम कर रही है, इस वजह से विलोपन अभिक्रिया हो रही है। और ये वाली जो स्पीसीज है ये यहाँ पर किसका काम करती है, प्रबल नाभिक स्नेही का काम कर रही है। यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी आ जाता है, कुछ बच्चे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये यहाँ पर प्रबल क्षार की तरह काम कर रही है और ये स्पीसीज यहाँ पर ये वाला एल्कोक्साइड प्रबल नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर नाभिक स्नेहीता ज्यादा है और यहाँ पर क्षारीयता ज्यादा है, क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग ईथर का संश्लेषण कर सकते हैं, आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देख लेना इस वाले रिएक्शन को, क्या नाम हो गया इसका, हाँ भाई इसका आप लोग नाम लिख सकते हैं, इसका भी नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा इसका, एथॉक्सी प्रोपेन लिख दें, आइसोप्रोपेन। अरे IUPAC की बात करूं मैं तो ये छोटा समूह है तो इसको बोलूंगा 1, 2, 3, क्लियर है? 3 कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर एथॉक्सी, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, और बाकी का क्या है, प्रोपेन। कौन सा प्रोपेन, तो प्रोपेन, क्योंकि जरूरत नहीं प्रोपेन लिखने को। इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे कार्बन संख्या काउंट कर लो इसमें, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl, और आगे क्या लिखूंगा भैया, प्रोपीन लिखूंगा मैं। आप लोगों को IUPAC नाम आते हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उनमें भी बहुत स्पष्ट तरीके से लिखवाया है, नोट करके लिखाया हुआ, देखो उसको। आगे बात कर लेते हैं, मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूं इसमें विलियमसन में, और जब आप इस क्वेश्चन में फंसे कहीं तो आपका गलत नहीं होगा, एक इस तरह से ट्रिक्स बना लेना। देखो
इस तरह से ट्रिक्स बना लो, बड़ा एल्कोक्साइड, इतना ही ध्यान रखना है बस, प्लस छोटा एल्किल हैलाइड, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इसका उल्टा कर दो, बड़े की जगह पे बड़ा है, यहां पर क्या कर देंगे छोटा, आगे क्या लिखूंगा वही एल्कोक्साइड, प्लस ये छोटा है इसकी जगह पे क्या कर देंगे बड़ा एल्किल हैलाइड, क्या बनेगी एल। यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन आते रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है केवल ये यहां रखना है बस, रिडक्शन ईथर संश्लेषण। आगे हम एक रिएक्शन हो रहे हैं जिसके द्वारा भी एल्किल हैलाइड सॉरी डाइएथिल ईथर को संश्लेषित किया जा सकता है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। देखो कि यदि आप लोग एल्किल हैलाइड से बनाए, जैसे एल्किल हैलाइड से लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड से ये विलियमसन खत्म हो गया है, एल्किल हैलाइड से, जब आप एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और उसमें क्या ले लिया है मेथिलाइड एथिलाइड, आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, Ag2O के साथ। तो भैया Ag2O को आप लोगों ने ऐसे लिखा था Ag और ऑक्सीजन O और Ag, इस तरह से इसके कितने मोल ले लेते हैं दो मोल, तो आप लोग आयोडीन CH2CH3 ले लें, यहां पर मैं कह सकता हूं हमने दो मोल तो क्या ले लिया है एल्किल हैलाइड लिया है, और प्लस में एक मोल क्या ले लिया है Ag2O। जब Ag2O के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो यहां पर क्या बनेगा, यहां से एक AgI बाहर हो गया, यहां से एक AgI बाहर हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है उच्च ताप पर संपन्न कराई जाती है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाकी का शेष है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है डाई एथिल ईथर बन जाता है। कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, समझ में आ जाती है। बाकी का क्या है, कितना मोल AgI बनेगा, अरे दो मोल AgI बन जाएगा, और AgI कैसा होता है भैया, ठोस होता है, कैसे रंग का होता है, पीले रंग का है, कैसे पीले रंग का, गहरे का नहीं है, हल्के पीले रंग का है, हल्के पीले रंग का है। तो आप लोग इसको रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। अब देखो बनाने की विधि है लगभग कंप्लीट हो गई है, पूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आगे डाइएथिल ईथर के भौतिक गुणों की, बात कर लेते हैं डाइएथिल ईथर के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, तो अवस्था रंग गंध विलेयता ये सारी चीजें भौतिक गुणों के अंदर आती है। तो देखो एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव्य है, अत्यंत वाष्पशील एवं कैसा है ज्वलनशील है, जल में कैसा होता है अविलयशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में यह विलयशील होता है, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन हो गया, और ये आप लोग और भी ले सकते हैं डाइमेथिल सल्फोक्साइड ले सकते हैं, CH2 कार्बन डाई सल्फोक्साइड ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं CH2, उसके अलावा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरे ले सकते हैं, लेकिन इतने सारे सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल इतना ध्यान रखो कि कार्बनिक विलायकों में विलयशील है और जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अविलयशील है। बाकी का एक बात और बता देता हूं कि डाइएथिल ईथर की जो वाष्प है उसको आप लोग ज्यादा लंबे समय तक सूंघते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जनरली क्या है, कुछ पशु वगैरह ऐसे होते हैं जिनको बेहोश करना जरूरी होता है,
मेडिकल के अंदर भी क्या है, मान के चलो ऑपरेशन थिएटर है तो उसमें किसी आदमी को बेहोश करना है, वहां पर इन चीजों का सेवन कर लिया जाता है, इनको डोज के रूप में दिया जाता है, जिससे बेहोशी आ जाती है और यहाँ पर ऑपरेशन है वो सफल किए जा सकते हैं, यानी कि बेहोशी के अंदर। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है डाई एथिल ईथर की समस्या। डाई एथिल ईथर की समस्या बहुत ही सरल है। डाई एथिल ईथर की बात करते हैं, इसका मैंने संकरण भी करके बता रखा है, फिर से बता देता हूं। देखो डाई एथिल ईथर को मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3CH2 ऑक्सीजन CH2 और CS। हम किसका संकरण निकाल रहे हैं, हम इसका संकरण निकालना चाहते हैं कि भैया ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा। तो आपको दो तरीके बता रखे हैं कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट कर लो तो संकरण निकाला जा सकता है। तो इसके ऑक्सीजन के पास संयोजकता को उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो देखो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ यह बॉन्ड बना दिया, लो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया बॉन्ड बनाने में, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया बॉन्ड बनाने में, और बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अभी 4, क्योंकि कितने होते हैं संयोजकता कोष में 6। तो भैया देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए। अब बात आती है कि डाई एथिल ईथर में कितने लॉन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बॉन्ड पेयर की संख्या 2। कौन कौन से हो गए, ये हो गया बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर, और ये भी हो गया एक बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर की संख्या कितनी है, एलपी की संख्या है 2, एक यहां से 2 यहां से, तो एलपी प्लस बीपी बराबर कितना हो गया 4, और 4 हो गया तो इसका मतलब कक्षा कितने काम आएंगे 4, और 4 का मतलब है एक ऐसा काम आ गया 3 भी क्या। ये तो एक ऐसा तरीका था कि आप इसकी सहायता से बहुत बढ़िया थ्योरी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डाई एथिल ईथर की समस्या से स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु का संकरण sp3 पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर होते हैं। हम एक बात कह सकते हैं कि sp3 संग्रहित कक्षक है, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं इसमें 4, तो भैया डाई एथिल ईथर में 4 नए संग्रहित कक्षक बनते हैं, और इन 4 नए संग्रहित कक्षकों में 2 तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं और 2 यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तो क्लियर है, और इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कहा जाता है, रिक्त कक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि ये संकरण में संकरण तो हो रहा है लेकिन इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक तरीका और है जिससे आप संकरण निकाल सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक विनय सॉरी कितना है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p होता है। हम लोगों को पता है संयोजकता कोष यही तो है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया 2, ये रहे। अरे p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1, 2, 3, और ये हो गया 4। हमें ये वाला जो ऑक्सीजन है CH3CH2 OCH2 CH3, ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है 2, और कौन से बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी अवस्था कौन सी हो जाती है ग्राउंड स्टेट, यानी कि निम्नतम अवस्था। मैंने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये सारी चीजें लिखा हो, तो इसके साथ ये एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड के साथ ये एथिल जुड़ा हुआ है, तो मैंने भी क्या किया यहाँ पर इन्हीं एथिल समूहों को जोड़ दिया। अब हम लोग इतना जानते हैं ये वाला कक्षा कौन सा S, और ये कौन से हैं 3 PX PY और PZ।
तो बताओ संक्रमण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं भैया? तीन, एक एस और तीन पी के, इसीलिए संक्रमण कौन सा हो गया? एसपी। अब बात आती है कि चार एसपी थ्री संक्रमित कक्षक बने, कितने बने हैं? चार एसपी थ्री संक्रमित कक्षक बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़ाया हम लोगों ने, संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें जितने संक्रमित कक्षक, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संक्रमित कक्षक बनते हैं। भाग कितने ले रहे हैं? चार, एक एस, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड, कितने? चार। तो चार ही नए संक्रमित कक्षक बन जाते हैं, चार एस पी थ्री। ये यहाँ पर ये किसके रूप में काम करता है? लॉन पेयर के रूप में, और ये भी यहाँ पर लॉन पेयर के। मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे में इसकी संरचना की बात कर लेता हूँ और पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ईथर की मैंने संरचना लिखी इस तरह से, इसके पास दो लोन पेयर हैं, संक्रमण कौन सा था बताओ? एसपी थ्री। एलपी की संख्या कितनी है? दो। बीपी की संख्या कितनी है? ये भी दो। तो एसपी थ्री संक्रमण है तो इसमें बंद कोण का मान कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। ज्यामिति कैसी होनी चाहिए थी? चतुष्फल की होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भैया ईथर में जो बंद कोण है यानी कि बॉन्ड एंगल है, यह बॉन्ड एंगल पाया जाता है 110 का। क्वेश्चन यहीं से बनता है, यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? डाइएथिल ईथर में संक्रमण एसपी थ्री है, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में बंद कोण का मान कितना पाया जाता है? बंद कोण का मान यहाँ पर 110 डिग्री पाया जाता है, क्या कारण है? भाई एक बात बताइए, यदि किसी ऑक्सीजन परमाणु है, ये इस ऑक्सीजन परमाणु पर ये बड़े बड़े समूह जोड़ दिए हम लोगों ने, एथिल जोड़ दिया, यहां पर भी क्या जोड़ दिया है? एथिल, और एथिल का आकार क्या है इनका? बड़ा है। आकार क्या है? बड़ा। इसका आकार भी क्या है? बड़ा है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन की तुलना में आकार क्या है इसका? बड़ा। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जल को हम लोग ऐसे ही तो बढ़ते थे, ये जल की स्ट्रक्चर होती थी, यहां पर बंद कोण का मान 104 डिग्री 5 मिनट का, इसमें कितना हो गया? 110। 110 होने का कारण क्या है कि भैया बड़े आकार के एल्किल समूह हैं ये स्पेस के अंदर, त्रिविम के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर ज्यादा स्थान घेरेंगे। जब ये ज्यादा स्थान घेरेंगे तो भैया सीधी सी बात है, इन दोनों के मध्य में क्या होगा? यहां पर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण जब होगा बड़े बड़े आकार में तो ये क्या होंगे? फैल जाएंगे इस तरह से। इसी कारण से ये वाला जो बंद कोण होता है, यह है बंद कोण कितने का हो जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर 110 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि इनके मध्य में वांडरवाल्स प्रतिकर्षण बल पाए जाते हैं, इनको वांडरवाल्स इंट्रैक्शन कहा जाता है, या एल्किल एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है इसके अंदर ईथर के। तो संरचना भी कंप्लीट हो जाती है। संरचना ये हो जाती है, एक चीज और है, इसकी आकृति पूछी जाती है। देखो मैं सारी चीजों क्लियर कर देता हूं। ज्यामिति पूछता है एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे? चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर आकार पूछता है या आकृति पूछता है तो आप लोग इसकी आकृति की बात करेंगे, कोणीय बोलेंगे इसको। कोणीय का मतलब होता है एंगुलर,
अगर बंद कोण पूछता है डाई एथिल ईथर में, तो बंद कोण अभी बताया था 109 की बजाय कितना मिलेगा 110। इस तरह से ये चार पांच चीजें डाई एथिल ईथर से संबंधित, आकृति संबंधित, आप इसको एक बार देख लेंगे। थ्योरी है जो पीडीएफ के अंदर भेजी है, उसको आप लोग पढ़िए। चलो आगे आगे भैया, डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण। अगला जो टॉपिक है वह है डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण के अंदर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। इसकी क्या आती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो डाइएथिल ईथर कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है? ये डाइएथिल ईथर की भैया रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं चार प्रकार की, और इन चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो आपने देखी होगी, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं होंगी। दूसरी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया क्या होगी? यहां पर CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। और चौथी जो है अभिक्रिया वो है अन्य अभिक्रियाएं। तो पहली रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं, कौन सी हैं? रासायनिक अभिक्रिया बात कर रहा हूं मैं लिखूंगा यहां पर एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म की अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया होती है CO आबंध